हाय एवरीवन, आई एम सुश्री। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग जो है मैं शुरू की हूँ आफ्टरनून से। अभी ऑलमोस्ट अराउंड 3 बज गए हैं। मैं लगी हुई हूँ क्लीनिंग में। हाउस वार्मिंग का जो रंगोली था एंड इवन दिवाली का रंगोली, वो अभी तक मैं क्लीन नहीं की थी। जैसे था वैसे ही था, तो मैं उसको अभी क्लीन कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल डे प्रिपरेशन, और पूरा इवनिंग से नाइट तक का रूटीन होगा। एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. आप लोगों से बहुत सारे मुझे सजेशंस आते रहते हैं इंस्टाग्राम DM में और इवन यूट्यूब कमेंट में भी। और ये आप लोगों ने बहुत जने सजेस्ट किया था मुझे बोना का मॉफ, जो कि वुडन फ्लोर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इवन हम लोग के जो बिल्डर हैं वो भी सजेस्ट किए थे कि दिस इज़ गुड फॉर वुडन फ्लोर। तो हम लोग लेके आए हैं, अभी उसको फिक्स कर रहे हैं एंड पहली बार हम लोग मॉफ करेंगे घर। एवरीवन, और अभी मैं जस्ट बात ली, कल है थर्सडे, आज है वेंसडे। तो थर्सडे का पूजा जो होता है ना, बहुत ही अच्छे से होता है उड़ीसा में। चार थर्सडे होता है शायद, उसमें ना बहुत ही अच्छे से घर में पूजा किया जाता है। जैसे कि जो झोटी बोलते हैं, मतलब जो रंगोली टाइप का होता है ना, बट राइस का पेस्ट से जो बनाते हैं, वो बनाया जाता है। एंड लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो वैसे तो मैं करती हूँ, बट बहुत ऐसे नहीं की थी। बट घर नया है और थोड़ा स्पेस है पूजा करने के लिए इस बार, जैसे कि झोटी डालने के लिए। सो आई थॉट ऑफ लाइक कि मैं करती हूँ अच्छे से करके। तो अभी उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। अभी मॉप करना है, पहली बार मॉप करेंगे जब से हम लोग घर आए ना। ओनली वैक्यूम एंड मैं ऐसे ही ब्रूम से ही मैं ये क्लीन करेंगे। बट अभी मॉप आ गया है, हम लोग ऑर्डर किए थे, तो उसको हम लोग रेडी करेंगे अभी और पूरा घर मॉप करेंगे। मैं सुबह से बात नहीं ली थी क्योंकि मुझे इवनिंग को ही ना भगवान जी का थोड़ा सा, जैसे कि फ्रूट्स है और फ्लावर्स, वो सब कुछ लेने जाना है। और जो अगले, मतलब कल पूजा है ना, तो आज इवनिंग से ही ना मम्मी भी पूरा घर क्लीन करके, बाबा बी केयरफुल बेटा, तो क्लीन करके ना वो रंगोली दिया करती थी। तो मैं बाबा देवान चिप्पी दे लूँगा रंगोली दिया करती, तो मैं सोची कि मैं भी कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से और थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं पहले क्लीन करती हूँ। गुड जॉब। मॉपिंग जो है ये पहली बार हम लोग का है। फ्रॉम लाइक बिगनिंग हम लोग हमेशा अपार्टमेंट में रह के आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये होता कि कारपेट होता है, तो वैक्यूम से ही काम चल जाता है। और किचन के लिए मैं कभी मैं मॉप नहीं ली थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा लगा, क्लीन पूरा हो गया घर। मैं लाइक 10-20% की और बाकी मेरे हस्बैंड की। बट इस लिटिल बिट ऑफ लाइक कि आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, क्लीन करने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। इवनिंग हो गया है तो चाय का टाइम है ये हम लोग का। और ये मेरा बैकयार्ड से व्यू है, सनसेट होता है ना, इतना अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। पूरा सनसेट का टाइम है वो। अभी मैं चाय चढ़ा दी हूँ और किचन ना अभी तक मैं सेट नहीं की हूँ। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे,
बस मैं किचन में जितना ज़रूरी था प्लेट्स वगैरह जो आया था ना वो मैं सेट कर दी हूँ, बट पैंट्री और जैसे कि दाल वगैरह वो सब जितना भी ग्रॉसरी है ना मैं नहीं लाई हूँ अभी तक, कार्टन ओपन ही नहीं किए हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिला है। बाकी सब काम अभी जैसे कि ब्लैक फ्राइडे था ना तो शॉपिंग में ही हम लोग का टाइम इतना चला गया ना, बहुत सारे शॉपिंग हुआ है, बट दिस टाइम इट्स ऑनलाइन तो ना एक एक करके आ रहा है। मैं एक साथ आप लोग को एक पैकेज दिखाऊंगी, बट स्टिल अभी एक पैकेज आ गया जो कि राइट टाइम में आया है। मैं पूजा के लिए स्पेशली ना जैसे कि घर में ना नॉनवेज बन जाता है, वैसे तो मेरा पूजा का सेटअप अलग है, जैसे कि मैं कढ़ाई रखी हूँ जो कि मैं ओनली वेज के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं सोची कि एक सेट रखती हूँ जो कि पूजा के लिए स्पेशली होगा। तो कल थर्सडे है तो मैं खुश हो रही हूँ कि अभी आ गया है, साय से मैं अभी नहीं देखी हूँ, कार्टन है उसमें। मैं एक ना मेसिस से ऑर्डर की थी, एक नॉनस्टिक का ही सेट ऑर्डर की हूँ मैं, स्टेनलेस स्टील ना अगर आपको अच्छा वाला चाहिए, इसका काफ़ी बजट के बाहर से था, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है जैसे कैल्फलन और किसी ब्रांड का, बट नॉनस्टिक वाला सस्ते में था। और पूजा का जो होता है खाना ना वो हम लोग रेगुलरली नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे जैसे ओकेजनली ही यूज़ होगा, तो मैं इसलिए ऑर्डर की नॉनस्टिक का। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, चाय में बन जाए पहले। चाय के साथ मैं बना ले रही हूँ ब्रेड टोस्ट विथ चीज़ ब्रेड, और देवांस के लिए भी चीज़ ब्रेड है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है जो कि टोस्ट होता है उसके साथ गरम गरम चाय, विंटर में मज़ा आ रहा है वो सब चीज़। चाय हो गया, हम लोग का सा निकल के जा रहे हैं इंडियन ग्रॉसरी। मैं फ़ोन मेरे हस्बैंड कॉल किए थे तो वहाँ पे मैंगो का पत्ता है और इवन कोकोनट भी है, तो वहाँ से लेके आ जाएंगे एंड फ्लावर्स लेके आएंगे, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, वेजिटेबल आनवाना। मम्मी ना थर्सडे के दिन दो टाइप का भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है, टू टाइप्स का भोग चढ़ता है जैसे भगवान जी को। एक होता है ना सुबह आप फ्रूट्स के साथ चढ़ा सकते हो, नहीं तो मम्मी क्या करती थी खीर बनाती थी उसके साथ पूरी और कुछ भी पीठा जैसे कुछ भी होता था। एंड फिर सेकेंड टर्म है पूरा जैसे चावल दाल साग वो सब कुछ चढ़ता है। तो मम्मी बोले थे कुछ ऐसा नहीं है, खीर भी जैसे कि राइस ही है तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुझे लंच भी भोग चढ़ाना है करके, बट वही है मैं देखती हूँ क्या कर रही हूँ। बट अभी हम लोग निकल के बाहर जा रहे हैं और ठंड इतना ज़्यादा अराउंड 8 माइनस हो जाएगा बोल रहे थे, देखते हैं कैसा हो रहा है। इंडियन स्टोर हम लोग के यहाँ पे घर के पास एक छोटा सा इंडियन ग्रोसरी है। ओह माय गॉड इतना ठंड ना। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is. Indian store से आगे तुरंत से ही मैं निकल के आगे अभी आई फ्लावर्स लेने के लिए, हल्का सा फ्रूट्स कुछ भी ले के जाऊंगी। हैरिस थिएटर है ये, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये कैसा स्टोर है। अभी स्टोर के अंदर आ गई हूँ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग के घर के पास हैरिस थिएटर है। पहले जो थे हम लोग के घर के पास पब्लिक्स था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो स्टोर होता है घर के पास और उसको एक्सप्लोर करना। तो ये आप लोग देख सकते हैं मोस्टली सिमिलर रहता है, बट स्टिल इट्स लाइक ए फन, मुझे अच्छा लगता है। मैं फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए आई थी तो मैं वो ले रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉमेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़। मैं थैंक यू भी आप लोग को बोल नहीं पाई हूँ, बट अभी भी आप लोग का कॉमेंट्स आता रहता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक एक कॉमेंट मैं पढ़ती हूँ और मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगता है सही में बताऊँ, तो थैंक यू सो मच। आ गए हम लोग बाहर, इतना ठंड है ना, पूरा विंटर आ गया है। आप लोग के यहाँ पे कैसा है टेम्परेचर मुझे बताइएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बजे आज था प्रेडिक्शन की,
माइनस अब जीरो जीरो तक आ जाएगा। एंड फ्लावर मिल गया, मैंगो लीव्स मिल गया, कोकोनट मिल गया। मेरी सासू माँ को अभी मैं कॉल की थी तो पूजा ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, ऑलरेडी 5:35 हुआ है वही इंडिया में मॉर्निंग, पूजा ऑलरेडी ख़त्म कर दी है। पता नहीं मैं कितने बजे उठूँगी और पूजा करूँगी, बट ट्राई करूँगी कि जल्दी उठने के लिए। अभी रेडी कर देती हूँ, देवांश सो गया था गाड़ी में। रोटी बन गया और इस जगह पे ना जो मेरा पहली बार रोटी ना एक भी फेल नहीं हो रहा है, मम्मी लोग जैसे बनाते हैं ना गैस पे वैसे ही बन रहा है यार, बहुत ही अच्छा बन रहा है। एंड वही रोटी बन गया, अभी मैं क्लीन करूँगी अभी और फिर उसके बाद फ्रेश होके मैं जाके जो रंगोली और जो झोटी है वो देना है मुझे। एंड फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी आप लोग के लिए, किचन सेटअप एंड आइकिया का एक हॉल है मैं आप लोग से शेयर करूँगी। आमिर खान का म्यूजिक चल रहा था तो अभी हम लोग दोनों ही याद कर रहे थे ना कि मैं आमिर खान का बिग फैन थी और मेरे बुक में ना बहुत सारे आमिर खान का पिक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा। कौन है ला डिनर के लिए ना कुछ मैं बनाई नहीं, रोटी बनाई बस सुबह ही ना, मैं ज़्यादा ही बनाई थी ताकि मुझे रात को बनाना ना पड़े, रात को बहुत ही काम करके। तो अभी वही सेवा उसको मेरे हस्बैंड खिला रहे, तब तक मैं एक पैकेज आया उसको खोल रही हूँ। ये हो गया पूरा सेट, ये 13 पीस का सेट था। इसमें दो छोटा छोटा ऐसे पैन जैसे हैं, एक इतना वाला और एक इतना वाला। मैं ये ली थी, मुझे अभी भी याद है, इनिशियली जब हम लोग यूएस आए थे तो मैं मेसिस से ही ली थी और अच्छा होता है यू नो, मैं काफ़ी दिन तक यूज़ की थी। एंड स्पेशली मैं पूजा के लिए इसको ऑर्डर की हूँ ताकि पूजा में क्या होता है ना, मैं प्याज लहसुन तो डेली चलता है घर में खाना बनाना, तो मैं सोची चलो एक सेट रख देती हूँ जो कि ना पूजा के लिए स्पेशली होगा। तो ये होगा, ये ना जो भी है इसके साथ लीड में आया है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया, एंड अगेन दो ऐसा आया है जो कि करी वगैरह बनाने के लिए, थर्ड थिंग जो मैंने खाई ये बड़ा वाला है। बट फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग नहीं रखेंगे इसको, थोड़ा सा पतला है एंड यू नो पूजा जैसे होता है ना, यहाँ पे रखते हैं एक सेकेंड। हाँ जो पूजा जो होता है ना, पूजा में अगर आप ऐसे छोटा छोटा पैन है ना तो आई डोंट थिंक कि ये हम दोनों के एक सिंगल फैमिली के होगा। अगर घर में किसी को इनवाइट कर रहे हो पूजा के दिन तो ना ये नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो पैन कुछ लाते हैं, इट विल बी लाइक बेटर, ताकि कि बड़ा ही मुझे चाहिए एक्चुअली। ये थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन अच्छा था, $30 में आपको 13 पीस सेट मिल रहा है, उससे और क्या चाहिए। कहाँ पड़ चुके बड़ा ये लोग पड़ गए ना, अभी हमका डिनर हो गया, मैं तुरंत से रेडी हुई और जो झोटी बनाने का वो मैं पेस्ट बनाई, चावल में भिगो के रखी थी जो राइस होता है सोख करके था, तो उसको मैं, बट मुझे आइडिया नहीं हुआ ना कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा जगह है और कितना चाहिए होगा मुझे, तो थोड़ा सा कम हो गया तो छोटा करके ही मैं बनाई। और मैं इतना अच्छे से नहीं बनाती हूँ, मेरे से नहीं होता है, बट स्टिल समा मैनेज, कल दिखाऊँगी कल के व्लॉग में आप लोग देखिएगा। तो यही है, अभी जा रहे हैं थोड़ा सा एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, 10 बज गया है, जस्ट मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम है ज़रूरी, तो वही है। हेलो, अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से मेरे फ्रेंड के यहाँ से,
इतना ज़्यादा ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ, पूरा विंटर है, माइनस पे है शायद, अभी -2 और 3 है। बाप रे बाप, मुझे तो इतना लग रहा था ना कि पूरा विंटर आ गया जैसे। और अभी मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी मैं सब कुछ रेडी कर दी हूँ कल के पूजा के लिए। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करूँगी, 5 बजे उठना है, पूजा भी करना है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का व्लॉग। तो चलिए मैं मिलती हूँ और एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग के साथ। देवांश ऑलरेडी सोने के लिए गया है। चलिए बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।